अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। कैंसर भगाओ, स्वस्थ भारत बनाओ, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे हमेशा की तरह वर्ल्ड फेमस ऑनको सर्जन डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में स्वागत है। इस बार मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, कि कैंसर के जो मुख्य लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, किससे पता चल सकता है, हमारे बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं, या ऐसे हम लोगों को अंदर से ऐसे लगता है कि हमारी बीमारी दूर नहीं हो रही है, कोल्ड कफ है या कुछ भी है किसी चीज़ को लेके, तो किस उससे हमारे को लक्षणों को देख के हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कैंसर हमारे शरीर में पनप रहा है या उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। जो आज का जो विशेष आपने छेड़ा है, जो विषय है ये लक्षण, सिम्टम्स, ऐसा क्या होना चाहिए शरीर में जब कैंसर होता है, तब क्या शरीर कैसे कैंसर अंदर है बोल के दिखाती है, किस चीज को देख के हमें लगना चाहिए कि हमें सतर्क रहना है। बीमार हर कोई पड़ता है, बीमारी हर किसी को होती है। जैसे गाड़ी है, कभी टायर पंचर हो जाता है, गाड़ी है कभी रुक जाती है, परेशानियां कई कई तरीके के आते हैं, हम तो मनुष्य हैं, हम कोई चीज तो नहीं है। जब मनुष्य हैं तो थक भी जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, परेशान भी करते हैं, वैसे ही कैंसर हम सबको परेशान करता है। इसके जो सिम्टम्स हैं आम सिम्टम्स की तरह ही है, कोई इसके कोई विशेष सिम्टम नहीं है। सर्दी जुकाम होता है, खांसी होती है, जब आपको निमोनिया होता है या कोई एलर्जी होती है, कभी कोई चोट लग जाती है तब नाक से खून निकल जाता है, कभी कोई छाला होता है तो दर्द होता है, कभी कभी शरीर में वर्म आ जाता है, कभी भूख नहीं लगती है, कभी नींद नहीं आती है, कभी वजन कम हो जाता है। ये आम लक्षण है। और जैसे कि चोट खत्म हो जाती है तो ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, सर्दी जुकाम मौसम ठीक हो जाता है तो एलर्जी खत्म हो जाती है, सर्दी खत्म हो जाती है तो स्नीजिंग खत्म हो जाती है, आवाज ठीक हो जाती है, गला बैठा हुआ है थोड़े दिन के बाद ये ठीक हो जाता है। लक्षण कैंसर के आम लक्षण हैं जो आम बीमारी में होते हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है, जब कैंसर हो जाता है तो ये लक्षण खत्म नहीं होते, ये रहते हैं, बढ़ते हैं और बढ़ते जाते हैं। जैसे कि खून का निकलना, नाक से खून निकल रहा है, रोज निकल रहा है, रोज निकल रहा है, 8 दिन 10 दिन हो गए खून निकल रहा है, 15 दिन हो गए, महीने हो गए निकल रहा है। मुंह में
छाला है, छाला नॉर्मली 8 या 10 दिन में ठीक होता है। जो छाला ठीक ही नहीं हो रहा हो, बढ़ रहा हो, परेशान कर रहा हो, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, दर्द भी होने लगा है, बोल नहीं पा रहे हो, खा नहीं पा रहे हो, परेशानी दिन ब दिन कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है, 5 दिन से 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने 2 महीने, सांस में दिक्कत आ रही है, मौसम ठीक हो गया, विंटर्स चले गए, एलर्जी भी खत्म हो गई, लेकिन सांस में दिक्कत बनी रही है, खांसी है, कॉफ है, 1 हफ्ते में खत्म होना चाहिए, 2 हफ्ते में खत्म होना चाहिए, बट हो नहीं रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बलगम भी आ रहा है और आप आते आते खून भी आ रहा है खांसी में, और खून जो निकल रहा है वो बढ़ता जा रहा है। खाना आप ठीक से खाते थे, खा रहे थे, अचानक से पहले आप अच्छा मोटा मोटा एक टाइम पे घूट लेते, कुछ दिनों बाद वही जो आप घूट पाते थे वो अटकने लग गया है, अटकने लग गया, फिर थोड़े दिन बाद उल्टियां होने लगी, सेमी सॉलिड आप ठीक से ले पा रहे थे, अब धीरे धीरे आप सेमी सॉलिड भी नहीं ले पा रहे हो, खिचड़ी दलिया भी नहीं ले पा रहे हो, हलवा नहीं ले पा रहे हो, वो भी अब अटकने लगा है, पहले रोटी, अब नरम चीजें, और धीरे धीरे पानी भी नहीं पिया जा रहा है, पानी भी अटक रहा है, तकलीफ से आप पी रहे हो, हार्डली 2-2.5 लीटर के बजाय आप 5 ml 10 ml, मतलब धीरे धीरे रोज कर रोज 1 लीटर से 2 लीटर, 2 लीटर से 1.5 लीटर, 1.5 लीटर से और कम होते होते आप बिल्कुल नहीं ले पा रहे हो, वजन आपका कम हो रहा हो, कम होते 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 नॉर्मली 1 किलो 2 किलो तो ठीक है, अगर 3 महीने में 10 किलो से कम हो गया आपका वजन, खाना भी आप खा रहे हो, खाने की कोशिश कर रहे हो, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका वजन कम होते जा रहा हो, फीवर, बुखार आना है, 4-5 दिन के बाद ये ठीक होना है, 10 दिन के बाद ये ठीक होना है, फीवर नहीं ठीक हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है, पैरासिटामोल दे दिया, एंटीबायोटिक्स दे दिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, खाना खाने के बाद उल्टी हो रही हो, खाना पच नहीं रहा हो, आपने जो खाया थोड़ी देर बाद वो निकल जा रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट फूलने लग गया आपका, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पी लिया हो गया आपको, जॉन्डिस जिसे हम कहते हैं, नॉर्मली पीलिया होता है 15 दिन 20 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है, पीलिया 2 से 4 10 20 तक आ रहा है, पीलिया कम ही नहीं हो रहा है, आप का जो यूरिन है, पेशाब जो बिल्कुल आराम से आना चाहिए, ठीक से आना चाहिए, वो बारीक आने लगा हो या रुक गया हो, बार बार आने लगा हो, यूरिन में ब्लड आने लगा हो, मोशंस, पॉटी, नॉर्मली हम सब दिन में एक बार जरूर जाते हैं, अक्सर आराम से हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है, अगर ये मोशंस आपके जो पॉटी है
ये ठीक से नहीं हो रही हो और ये आदत सी बन गई हो, कभी जिसको आप कब्ज कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, बहुत टाइट आ रही हो और फिर अचानक से वॉटरी आ रही हो, पानी की तरह आ रहा हो, कभी टाइट कभी वॉटरी कभी नहीं आ रही है, जो रूटीन है रेगुलरिटी है वो नहीं हो रहा हो, आप देख रहे हो कि आपके शरीर में जो खून होना चाहिए वो कम हो रहा हो, एनीमिया हो रहा हो, हीमोग्लोबिन कम हो रहा हो, कैसे पता चलेगा? शरीर देखोगे तो जैसे सांस का फूलना, चक्कर आना, जब शरीर में खून कम होता है तो इस तरह के लक्षण आते हैं। मान लीजिए नाक से खून निकल रहा हो, मुंह से खून निकल रहा हो, पेशाब के रास्ते खून निकल रहा हो, पॉटी के रास्ते खून निकल रहा हो, महिलाओं में आफ्टर मेनोपॉज या 45 इयर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही हो, या ब्लीडिंग के बीच में ब्लीडिंग हो रही हो, या कहीं से भी जहां से ब्लीडिंग नहीं होना है वहां से ब्लीडिंग हो रही हो, गांठ लंप जिसको गठान कहते हैं हम, भाई शरीर में कोई भी ऐसी चीज जो किसी में नहीं है वो आप में क्यों होनी चाहिए? क्या आप स्पेशल हो? गांठ गठन मुंह में गले में स्तन में छाती में बगल में पेट के ऊपर बगल में गर्दन में ग्रोइन में शरीर के कोई भी हिस्से में जो बचपन से नहीं थी अचानक से कोई गांठ हो गई हो, ये गांठ 8 दिन 10 दिन 15 दिन में ठीक होने चाहिए, नहीं ठीक हो रही हो, गांठ बढ़ रही हो, उसके आसपास में गांठे बन रहे हो, जैसे स्तन के गांठ बगल में आ गई हो, बगल से शरीर के दूसरे हिस्सों में जा रही हो, फिर गांठे फट रही हो, इसमें से खून निकल रहा हो, ये जो सारे लक्षण हैं जो मैंने बताए हैं, ये सब लक्षण हो 5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए मत घबराइए, लेकिन अगर ये लक्षण हैं, खत्म नहीं हो रहे, इलाज करवा रहे हो, 1 से 2 डॉक्टर को दिखा रहे हो, खत्म होने के बजाय बढ़ रहे हो, वजन आपका कम हो रहा हो, फीवर आपको कंटिन्यूस आ रहा हो, खाना नहीं खाया जा रहा हो, ये सारे लक्षण हैं शरीर में कैंसर के होने के। तुरंत आपको कैंसर भगाओ का वास्ता समीता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च का एक ही मकसद है, जागरूकता फैलाओ, कैंसर भगाओ। जो मैंने कहा है आपको, जो मैंने सिम्टम्स आपको गिने हैं, ये कैंसर में होते हैं, इसको आप नजरअंदाज मत कीजिए। जब भी ऐसा लक्षण हो, जरूरी नहीं
कि आप हमारे पास आओ या हमारे जितने भी इंडिया में सेंटर्स चल रहे हैं उनके पास जाओ, आप अपना पड़ोसी फैमिली डॉक्टर के पास सबसे पहले आप जाओ, उनको बताओ, समझाओ कि ये मुझे हो रहा है, क्या ये कैंसर हो सकता है, क्या ये कैंसर है। उनको अगर लगा, वो बोलेंगे जी मैं जांच करना चाहता हूं, तो सहमति दो, अंधविश्वास में मत रहो कि ये टुकड़ा लेंगे, ये जांच करेंगे तो कैंसर बनेगा या कैंसर निकलेगा, फिर मेरा क्या। हमने आपको पहले भी बताया, बार बार बता रहे हैं कि कैंसर ला इलाज बीमारी नहीं है, कैंसर का 100% इलाज है, बचाव है। हर कैंसर के अपने सिम्टम्स होते हैं, हर कैंसर के अपने लक्षण होते हैं, लेकिन जब लक्षण आता है तब तक देरी हो चुकी होती है। कभी भी कोई भी चीज आपको लगे कि हो सकता है, या आपके परिवार में किसी को कैंसर है, या आपके दोस्तों को, मित्रों को जो आपके साथ रहते हैं उनको कैंसर हुआ है, आप भी थोड़ा सा जागरूक रहिए, क्योंकि आप भी वही एनवायरनमेंट में रहते हैं, वही आपके हैबिट्स हैं, वही आपका सर्कल है। आपको जागरूक रहना है, हमेशा आपको सोचना है, ये नहीं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं तो कैंसर भगाओ का एडवाइजर हूं, मुझे कैसे कैंसर हो सकता है। या प्रफुल्ल जी सोचे मैं तो इसका फाउंडर हूं, मुझे कैसे हो सकता है। कोई स्पोर्ट्समैन है बोलता मैं तो इतना अच्छा क्रिकेटर हूं, मुझे कैसे कैंसर हो सकता है। कोई ये बोले कि मैं स्वास्थ्य पे ये करता हूं, मुझे कैसे कैंसर होता है। नहीं, ये किसी को भी हो सकता है। जब भी कोई लक्षण आपको लगे तो अंधविश्वास में ना रहे और आप अपने डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर के पास जाएं और वो जो कहे उसको माने, जो जो वो टेस्ट कहे वो करवाएं। अगर वो कहता है कि नहीं आप अब जाओ हायर सेंटर, जाओ यहां, जाओ वहां, जाओ, और हमेशा वो इलाज फॉलो करो जो इंटरनेशनल हो, आप एक्सपेरिमेंटल नहीं हो। जितने हमने लक्षण आपको गिनवाए हैं, जब भी ये लक्षण हो ये कैंसर हो सकता है। शरीर में 100 तरह के कैंसर हैं। किस कैंसर में कौन सा लक्षण आता है। तो डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे कैंसर के लक्षणों के ऊपर, तो आप विस्तार से बताइए इन लक्षणों के बारे में। जो हम मैंने जो बताया आपको लक्षण, ये सारे लक्षण थे सारे कैंसर के। अब किस कैंसर में क्या लक्षण होते हैं। हमारे देश में मुंह का कैंसर एक मुख्य कैंसर है पुरुषों में। अगर मुंह में कोई छाला हो, लाली हो, वाइटपन आ गया हो और वो छाला ठीक नहीं हो रहा हो, जिसको हम वाइट वाले को ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, जो लाल वाला जो पैच होता है इसको एरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं, जो जख्म है वो भर नहीं रहा हो, बढ़ रहा हो, ये मुंह के कैंसर की सिम्टम है। आवाज में फर्क आना, सांस में दिक्कत आना, ये वॉइस बॉक्स के कैंसर के सिम्टम है। खाने में दिक्कत आना, जो मैंने बताया था आपको, वो खाने के पाइप के कैंसर के सिम्टम्स हैं। खांसी, बलगम, खून का निकलना बलगम के द्वारा, ये लंग के कैंसर की सिम्टम्स हैं। और पेट से उल्टी होना, खून की उल्टी होना, पेट का फूलना, ये स्टमक कैंसर के सिम्टम्स हैं। पीलिया का होना, भूख का नहीं लगना,
उल्टियों का होना, ये लीवर के कैंसर के सिम्टम्स हैं। पेशाब के रास्ते खून का आना, पेशाब के रास्ते में दिक्कत होना, ये ब्लैडर कैंसर के या किडनी कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। एनीमिया होना, शरीर में खून की कमी आना, कभी पॉटी ठीक से होना, कभी टाइट होना, ये बड़ी आंत के कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। जो जनरलाइज सिम्टम्स हैं कैंसर के वो हैं वेट लॉस, वजन का कम होना, कंटिन्यूस फीवर का रहना, हेडेक का रहना। महिलाओं में जो स्तन का कैंसर होता है, गांठ का होना, निप्पल का अंदर जाना, घाव का होना, खून का निकलना, स्किन संतरे की तरह होना, ऑरेंज की तरह होना, मौसम्बी की तरह होना, बगल में गांठ का आना, स्तन का बड़ा होना, ये स्तन के कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। जो सर्विक्स कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, वहां पे 45 इयर्स या मेनोपॉज के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही हो या कोई जख्म बन रहा हो, ये या कंटिन्यूअस इन्फेक्शन रह रहा हो, डिस्चार्ज हो रहा हो, ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो सकता है। इस तरह से अगर हम देखेंगे पुरुषों में जो आम कैंसर हैं वो मुंह का कैंसर है, लंग का कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर है, स्टमक का कैंसर है और महिलाओं में स्तन का कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है या कोलन कैंसर है जो महिलाओं में भी होता है, पुरुषों में भी होता है, इन सारों के लक्षण ये सब हैं। और ये लक्षण जब हो, खास करके 40 साल की उम्र के बाद जिनके परिवार में ये कैंसर चलता हो, वो सतर्क रहे और जागरूक रहे, तो हमारा जो मिशन है समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च का, प्रफुल्ल जी का, हम सबका जो मिशन और विजन है कि आपको जागरूक करें कैंसर के लक्षणों से, ताकि आप जब लक्षण आए तो आप सोए ना, तुरंत आप अस्पताल पहुंचे, अपने आप को चेक करें, भगवान करे कि वो कैंसर ना रहे, और अगर हो तो आपका इलाज हो जाए, टाइम पे हो जाए, समय पे हो जाए, स्टेज वन पे हो जाए और 100% आपका क्योर हो जाए। कैंसर भगाओ, स्वस्थ भारत बनाओ। जय हिंद।